वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉपअप इन लाइफ में। आज हमारा सेकेंड ईयर का लास्ट टर्म है, सेम फिफ्थ का हमारा एग्ज़ाम चालू हो रहा है एक्सटर्नल्स। और इस बार श्रेया मेरी पार्टनर बनी है और हम वही कॉलेज में आए हैं, पॉलीटेक्निक में, जहाँ हमारा फर्स्ट ईयर के एंड सेम में सेंटर मिला था हमें, वही है। तो इस बार बस श्रेया है, दिव्या का कहीं और आया। तो ये श्रेया मेरी स्कूल फ्रेंड भी है, हम लोग सेम स्कूल में थे, है ना? हाँ। तो बस आज हमारा IDT का पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही है ना? हाँ। तो अब जाके एग्ज़ाम देते हैं। प्रिपरेशन तो ऐसे ऐसे है क्योंकि हम ये सेम पूरे कॉलेज गए नहीं, बस लहर करा है। गजब का पेपर गया है, ऐसे तो अच्छा था, इजी था। इधर आना, ये मुँह छुपा रही अपना, इधर आ। पेपर अच्छा था, नो डाउट, बट एक सब इतना ख़राब था ना, वो डेट वाला, उसमें मैं लिटरली भूल गई कि मंथ में डेट कितने होते हैं, कितने डेज होते हैं ना, मैं भूल गई। मैं इतना याद करी कि कितने डेज होते, कितने डेज, याद ही नहीं। उसके बाद जो मैंने पेपर में लिखा है ना, सब भगवान भरोसे गया है। एग्ज़ाम के 2 सेकेंड पहले तक पढ़ने वाले लोग। आज सेकेंड डे है और आज हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। अभी जैसे ही गेट खुला, हम लोग सबसे पहले थे मिलने वाले, तो हम आ गए पहले, इसलिए पूरी क्लास खड़ी है। किया तो है बट एक चैप्टर तो पूरा ही छोड़ दिया बजट की अकाउंटिंग करके। पेपर देखे आ गए हैं, पेपर अच्छा था, मज़ा आया देने में, बहुत निकल, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, लिख लिख के हाथ दुख गया, पेपर में मज़ा आया। बाद हम एग्ज़ाम लिखने आए, हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी, बहुत मज़ा आया। हमारा ME का पेपर था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिखते लिखते ना हाथ दुख गया था, लिटरली इतना लंबा पेपर था, इतना लंबा, पर बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब आंसर आए मुझे। आज का जो इतना अच्छा पेपर गया ना, उसका ये हुआ, देखो लिख लिख के ना पूरा हाथ ऐसे हो चुका है, भर गया, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, हमारी क्लास में भी चिट पकड़ाया था, तो उसको ना मैम लेके चली गई, मज़ा आ गया यार। आज पेपर लिखने में भगवान करे बाकी के सारे थ्योरी पेपर ऐसे थे। वह मेरा मिरर सेट किया हुआ रहता है, हट, हिला देती है, अच्छी लग रही है, रूप सुंदरी। उतना भी अच्छा नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन नहीं आया बट इट्स ओके, हम कर सकते हैं, पास हो जाएंगे, आई थिंक सब हो ही जाएंगे। इसी तरह मैं, मेरा जिस दिन एग्जाम खत्म होता है उस दिन अपने पैम्पलेट लाके रख देती हूँ। ये जो बंडल है वो सारे पैम्पलेट है जिसके एग्जाम्स खत्म हो गए, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सब लोग ऐसा करते होंगे, सब कोई कोई टाइम टेबल पे क्रॉस करता है, मैं ऐसे पैम्पलेट लग के रख देती हूँ, एक अलग ही खुशी मिलती है कि वाह, अब ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एग्ज़ाम हो चुका। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है मेरे को तो ये करने की, मैं हर बार ऐसे करती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना। अब बस मेरे 3 ही पेपर बाकी, कहाँ पहले 7 पेपर थे, अब कहाँ 3 पेपर बाकी है, एक अलग ही एक्साइटमेंट है, बस 3 दिन और पढ़ना है बस। हाय गाइस, आज हमारा ESBM का पेपर था और वो ऐसे कह सकते हैं अच्छा गया, नहीं भी पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो रहा है, बट उतना भी अच्छा नहीं गया और अच्छा भी गया, तो पास तो हो जाएंगे, बस भगवान पास करवा दे। आज हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर है, वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो मैंने उसका अकाउंट्स लिया है और मेरा बेंच आया लास्ट बेंच। लाइक हम कॉपी कैसे मानेंगे आज के पेपर में, क्योंकि लास्ट बेंच पे ज़्यादा ध्यान रहता है टीचर्स का, पता नहीं क्या होगा हमारा।
हाय, सो आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि एग्ज़ाम लिखने के बाद मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, लाइक लिटरली मुझे जो भी क्वेश्चंस आए थे ना एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चंस जो थियोरी थे वो तो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल थे ना वो रात को मैंने बैठ के जो जो समझ किया थे ना वो सारे आए थे। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि अरे वाह, ये तो मुझे सब आता है। जैसे ही मैं लिखने बैठी मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सब बोल गया। मैं सोची अब इसको करते कैसे, वो करते करते पता नहीं मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया और मैं कुछ ब्लॉग नहीं किया। रास्ते में आ रहे थे तो ये जो तूफ़ान आने वाला है गुजरात को हीट करने वाला है, इसलिए बारिश चालू हो गई तो हम लोग घर आ गए। मैं गीली हो गई थी पूरी बहुत ज़्यादा। और आज 16 को हमारा लास्ट पेपर होने वाला था सेकेंड ईयर का, हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला था, बट ये तूफ़ान की वजह से सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए आज के दिन, इसलिए हमारा एग्ज़ाम जो लास्ट पेपर था वो पोस्टपोन हो गया। वो डेट पता चलेगा हमें तो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। और ये देखो कर लिया है, हमारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा सीखा भी हो गया था कि मैं एग्ज़ाम देने आई बट मैं अपना आइडेंटी कार्ड अपना हॉल के घर पे भूल गई। इतने ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा, बट भगवान मेरे साथ में आधार कार्ड से काम चला गया। टीचर्स भी बहुत अच्छे से, इन लोग ने इतना सपोर्ट किया, बहुत मज़ा आया। मेरा सेकेंड ईयर आज फाइनली ख़त्म हो गया है। रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम में जो भी पढ़ के गए थे ना एक भी नहीं आया, सब अलग आया। ऐसा होता है ना कि चैप्टर्स में ऑप्शन रहते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा पूरा थोड़ी पढ़ेंगे, ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो हमने ऑप्शन वाले पढ़ के गए थे। ऑप्शन में से एक भी नहीं आया, जो दूसरे थे ना वो सारे आए। पर वो अच्छी बात है, इंग्लिश का पेपर था तो हम तो गप्पे मार ही सकते इंग्लिश में। और पता नहीं मैं पेन से लिख रही थी कि नहा रही थी, इतने सारे इंक लग गए ना मेरे हाथ में, मेरा पेन इतना लीक हो रहा था। मैं क्या करती थी ना, पेन लीक होता था ऊपर जो पेपर होता था ना उसे पोंछ देती थी। टीचर भी चेक करेगी तो सोची कि ये क्या है यार, इंक से पेंट कर दिया मैंने, ऐसा किया है। बट कोई नहीं, आज लास्ट डे था सेकेंड ईयर का, हमने 2 साल पता नहीं कैसे कंप्लीट किए। और सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट तो मैं कॉलेज गई नहीं, जॉब कर रही थी और फिर उसके बाद घर पर बैठी थी, अब फिर से जॉब करूँगी, मज़ा आएगा भाई। 2 साल कंप्लीट हो गए देखते देखते, अब हम थर्ड ईयर में आ गए। आज बेसिकली लास्ट डे था और इतना बड़ा सियप्पा हो गया, बट कोई नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे। So thanks for watching, do like, share, comment and subscribe to our channel. Bye, take care, love you.